मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का विश्वेश्वरिया आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे पिछले क्लास में हमने देखे थे डीसी जनरेटर क्या है और डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल, अगला जो आता है वो आता है डीसी जनरेटर के पार्ट्स, मतलब डीसी जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है और वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, जैसे ये हम बगल में एक फिगर बनाए हैं छोटा सा, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होता है, ये पहला पार्ट्स जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और दूसरा नाम इसका आता है इसको बोलते हैं योक। ये जैसे बनाया गया है, इसके बहुत सारे पार्ट्स को हम डीसी जनरेटर के अंदर में अगर खोल दिया जाए जनरेटर को, तो इतने सारे पार्ट्स हमको दिखेंगे। पहला तो हमको दिखेंगे इसके बॉडी, ऊपर में ये चीज़ भी दिखाई देगा और ये सारा चीज़ हमको दिखाई देगा। पोल हो सकता है कि हमको दो दिखाई दे, वो अलग बात, क्योंकि पोल जब भी होते हैं जोड़े में होंगे, क्योंकि पोल जो होता है कि जब भी किसी चीज़ को मैग्नेट बनाया जाता है तो वो क्या होते हैं, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इस पर भी जब हम लोग सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ। तो इसीलिए क्या होता है, पोल जब भी बनेंगे पेयर में होंगे। तो यहाँ जैसे चार लगाए हैं, तीन नहीं लगा सकते हैं, या तो छः लगा सकते हैं या तो फिर दो, क्योंकि यहाँ भी हम लोग जितने भी पोल होता है, पोल की संख्या जो होता है दो होता है कम से कम, और अधिक से अधिक जो होता है वो आठ। पहला जो पार्ट्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी और योक, ये जो होते हैं कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और एनील्ड स्टील के बने होते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है, मेटल का नाम याद रखना है। बॉडी किस चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। और तीसरा जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनील्ड, एनील्ड स्टील। ये तीन मेटल में से किसी एक मेटल का बना होता है कौन, बॉडी, जिसका काम क्या होता है, जिसका ये बॉडी के अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना और उनको अपने ऊपर क्या करना, व्यवस्थित करके रखना। जैसे ये पोल है, पोल अगर ये बॉडी नहीं होता तो पोल यहाँ पर नहीं रहता, ये तो नीचे गिर जाता इधर, या दोनों पोल एक दूसरे के नज़दीक आ जाता, इसको भी रखने के लिए जगह नहीं होता। तो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। दूसरा कार्य होता है जब ये मैग्नेट बनेगा, ये सब जब मोल मैग्नेट बनेगा, क्या होता है, पोल का काम ही होता है चुंबक बनाना। तो जब ये चुंबक बनेगा तो ये बॉडी क्या होता है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एनिल स्टील के होते हैं। तो इसका काम होता है कि इनके लिए मैग्नेट पथ के लिए, मैग्नेटिक पथ जो होता है चुंबकीय बल रेखा, उसके लिए क्या होता है, पथ भी प्रदान करता है कौन, बॉडी। तो चुंबकीय रास्ते, चुंबकीय पथ के मतलब चुंबकीय रेखा के लिए पथ प्रदान करने का काम भी करता है कौन, बॉडी। दूसरा जो पार्ट्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड पोल, दूसरा जो पार्ट्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फील्ड पोल, किसी भी जनरेटर में फील्ड पोल का भी इम्पोर्टेंस जो होता है बहुत ही होता है, क्योंकि बिना मैग्नेट का कोई भी धारा या वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। जनरेटर वोल्टेज तभी उत्पन्न कर सकता है जब उस पर क्या हो, मौलिक आवश्यकताएँ होती है कुछ। पहला तो होता है क्या, पहला तो होता है कि कॉयल, कॉयल होना चाहिए। दूसरा मौलिक आवश्यकताएँ क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा होनी चाहिए क्या, मोशन, गति, स्पीड। और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट, ये तीन जो है मौलिक आवश्यकताएँ होती है किसी भी जनरेटर या अल्टरनेटर के। जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होंगे तब तक वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। हम लोग भी बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज उत्पन्न करता है, लेकिन गलत, ट्रांसफार्मर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज अगर उसको मिलेगा तो या तो उसको कम करके देगा या तो ज़्यादा करके। तो फील्ड पोल जो होते हैं, फील्ड पोल में ये जो कोर होते हैं इसको कोर बोलते हैं, फील्ड कोर, ये जो होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड, फील्ड कोर, जो क्या होता है बाइंडिंग, जैसे इस पर बाइंडिंग करेंगे तो इस बाइंडिंग करने के लिए कोई जगह होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, फील्ड
कोर, इसको फील्ड पोल या कोर एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं है। तो ये जो फील्ड कोर जिस पर बाइंडिंग किया जाता है, जो किस चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और इस पर जैसे ये सब दर्शाया गया है, ये सब जो दर्शाया गया है, ये कॉयल दर्शाया गया, फील्ड कॉयल, इस पर क्या कर दिए हैं हम लोग, बाइंडिंग कर दिए हैं। जब उस पर सप्लाई जाएगा तो क्या बनेगा, वो मैग्नेट बनेगा। अब ये जो फील्ड कोर होता है, ये भी क्या होता है, फील्ड पोल, ये भी दो प्रकार के बना जाता है। एक तो बनाया जाता है क्या, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड पोल विथ शू, शू होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं मोल्डेड, मोल्डेड पोल। फील्ड पोल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आता है लेमिनेटेड पोल विथ शू, और दूसरा होता है मोल्डेड। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि मोल्डेड जो होता है, ये लेमिनेटेड जो होता है, मैक्सिमम जो होता है बड़े जनरेटरों में लगाए जाते हैं। छोटे जनरेटर जो होते हैं वो मोल्डेड, मतलब बॉडी जिस जब बनाया जाता है तो ये जो होता है उसी के साथ ढलाई करके बना दिया जाता है। लेकिन लेमिनेटेड क्या होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ 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 के कास्ट आयरन को क्या करते हैं, या एनिल स्टील जिस चीज़ की भी हो, मेटल, ये तीनों में से उसको क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं उसको नट बोल्ट के द्वारा क्या कर देते हैं, बोल्ट के द्वारा उसको बॉडी के साथ कस देते हैं। किसमें, लेमिनेटेड विथ पोल शू में, मतलब ये दोनों को क्या करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा बनाया जाता है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, उसी के साथ क्या करते हैं, जब बनाया जाता है बॉडी उसी के साथ ढलाई करके बनाया जाता है, मोल्ट मोल्डेड करके बनाया जाता है। मोल्डेड पोल शू का मतलब ही होता है मोल्ड करके बनाना। तो ये होता है कौन, फील्ड पोल। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। अब आगे जो आता है, आगे जो पार्ट्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हम जैसे इसको मिटा देते हैं लिखने के लिए, आगे जो पार्ट्स आता है उसको बोलते हैं हम लोग पोल शू। तीसरा पार्ट्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोल शू। पोल शू भी जो होता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। फील्ड कोर जिस चीज़ का बना होता है, पोल शू भी उसी चीज़ का बना होता है। कहने का मतलब ये चीज़ जिस चीज़ का बना होता है, जिस मेटल का बना होता है, ये भी उसी चीज़ का बना होता है। इसका काम होता है कि जब फील्ड में जब बाइंडिंग की जाता है तो उस बाइंडिंग को क्या करता है, उसी स्थान पर क्या करता है, एक जगह स्थिर करके रखना है का काम करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब ये मैग्नेट बनता है तो उस मैग्नेट को क्या करता है, ये फैलाने का भी काम करता है। तो पोल शू का दो काम, पहला तो इस बाइंडिंग को एक जगह पर स्थिर करके रखना, और दूसरा जब ये मैग्नेट बनता है तब तो उस मैग्नेट को क्या कर देता है, दूरी तक फैला देता है, ताकि उनकी चुंबकीय शक्ति जो है ज़्यादा दूर तक फैले। अब जो होता है तो ये तो अभी हम बताएं कि पोल शू जो होते हैं उसी चीज़ का बना होता है जिस चीज़ का मेरा पोल बना होता है, पोल फील्ड पोल जिस चीज का बना होता है उसी चीज का बना होता है कौन, पोल शू। अब चौथा जो पार्ट्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से पहले हम लोग आर्मेचर देखते हैं, कम्यूटेटर इसके बाद देखते हैं आर्मेचर कोर उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर कोर ही कोर, मतलब ये आर्मेचर कोर जो होता है सिलिकन स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, सिलिकन स्टील का, सिलिकन स्टील का बना होता है, सिलिकन स्टील का बना होता है मेरा आर्मेचर कोर। अब ये सिलिकन स्टील की पतली पतली पत्तियों को क्या करते हैं, लेमिनेट करके बनाते हैं। लेमिनेट का मतलब होता है जोड़ के बनाना। जोड़ के बनाने से रीजन ये होता है, जैसे आर्मेचर कोर ये है, आर्मेचर कोर इस प्रकार का होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के बनाते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं इस फिगर के माध्यम से। अब इसको हम जैसे ये दर्शा रहे हैं, ये जैसे ये देखने में बिल्कुल बेलन जैसा होता, बेलनाकार होता है। अब इसको क्या करते हैं, ये पतली पतली पत्तियों को इस प्रकार से हम लोग काट काट के बनाते हैं, ताकि क्या हो, ईडी करंट और हाइस्ट्रिस लॉस जो है वो क्या हो, कम, उनकी शक्ति को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है।
क्या किसको मिनिमाइज किया जाता है? पहला तो आता है ईडी करंट, पहला तो आता है ईडी करंट, और दूसरा जाता है वह हिस्टैरिसिस लॉस। इन दोनों चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेमिनेट करके बनाते हैं। लेमिनेट का मतलब होता है जोड़ के बनाना, तो इसको जोड़ के बनाया जाता है ताकि इनकी शक्ति जो होगा कम हो। तो आर्मेचर कोच किस चीज़ के बना होता है? सिलिकॉन स्टील। इसी पर क्या होता है, स्लॉट कटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ये स्लॉट दिखाया गया है, इस प्रकार का स्लॉट ये पूरे में रहता है, जिस पर क्या रखा जाता है, बाइंडिंग को रखने के लिए जगह होता है। ये आर्मेचर कोर जो होते हैं, आर्मेचर कोर भी जो होते हैं, ये तीन प्रकार के होता है। आर्मेचर कोर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का। अब ये तीन प्रकार का आर्मेचर कोर कौन कौन सा होता है, इसको हम मिटा देते हैं। आर्मेचर कोर के बारे में देखते हैं। आर्मेचर कोर जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला तो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओपन टाइप। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेमी क्लोज। और तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं क्लोज। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया ओपन टाइप, दूसरा हो गया सेमी क्लोज टाइप, और दूसरा आता है क्लोज टाइप। तो अभी ये जो स्लॉट कटे होते हैं, ये जो स्लॉट कटा होता है, ये जो होता है मेरा क्या होता है, बाइंडिंग रखने के लिए जगह होता है। अब ये किस प्रकार का कटा होता है, तो ये भी कटा हुआ तीन प्रकार का होता है। ओपन टाइप में क्या होता है, नीचे से जैसे ये स्लॉट कटा हुआ है, ये इस प्रकार का कटा हुआ आगे बढ़ते जाएगा, तो ये नीचे जितना चौड़ाई रहेगा ऊपर भी अगर उतना ही चौड़ा रहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप। लेकिन अगर ये चौड़ाई अगर में अंतर आ जाए कि नीचे ये चौड़ाई में अगर अंतर आ जाए कि नीचे ज़्यादा और ऊपर क्या हो कम हो, इस प्रकार का हो कि नीचे ज़्यादा ऊपर कम, मतलब इस प्रकार का इधर नीचे चौड़ाई क्या है ज़्यादा है, ऊपर क्या हो गया चौड़ाई कम, तो इसको बोलते हैं अर्ध खुला हुआ, मतलब आधा खुला हुआ। तीसरा जो आता है, तीसरा में क्या होता है, बिल्कुल ये होल जैसा दिखाई देगा, मतलब पूरा का पूरा क्लोज। तो तार को क्या होता है, इस होल के अंदर से पार करना पड़ता है। तो ये तीन प्रकार का ये स्लॉट बनता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि आर्मेचर कोर जो होता है तीन प्रकार का, और ये क्लोज टाइप जो होता है मैक्सिमम जो होता है हम लोगों का एसी जनरेटर में बनाया जाता है, एसी के लिए होता है, एसी जनरेटर एसी मोटर के लिए ही होता है। तो ये हो गया आर्मेचर। आर्मेचर का काम होता है कि यहीं पर क्या होता है, मेरा वोल्टेज भी उत्पन्न होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पर घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो इस मैग्नेट के बीच में जब ये घूमेगा तो फिर क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहता है, जब भी किसी मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को रखकर घुमाते हैं या कॉइल को स्थिर रखकर मैग्नेट को घुमाते हैं तो क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। तो इसमें भी क्या होगा, EMF उत्पन्न होता है। इसी पर क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। अगला जो पार्ट्स आता है कि जब आर्मेचर में EMF उत्पन्न हो गया तो वहाँ से करंट को हम लोग कैसे बाहर निकालें, क्योंकि आर्मेचर तो मेरा क्या हो रहा है, घूम रहा है। जब आर्मेचर घूम रहा है तो वहाँ से हम तार जोड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हैं करंट को और न वोल्टेज को। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर तार जोड़ेंगे तो जैसे घूमते घूमते क्या होगा, फिर तार तो एक समय आएगा कि कट जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर एक पार्ट्स लगा देते हैं जिस पार्ट्स का नाम आता है कम्यूटेटर। एक पार्ट्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर के बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। अब ये क्या होता है, ये जैसे कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर जो होता है इस प्रकार का बना होता है,
इसका काम होता है कि जो आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न हुआ या वोल्टेज, उसको क्या करता है, इस कम्यूटेटर में आता है। उसका तार जो होता है इसी कम्यूटेटर में जुड़ा हुआ रहता है। इस कम्यूटेटर को मतलब क्या होता है, आर्मेचर का तार को कम्यूटेटर के जहाँ जोड़ा जाता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं राइजर। किस भाग को? आर्मेचर के तार को। जब आर्मेचर में बाइंडिंग करेंगे और उस बाइंडिंग को जब इसमें जोड़ेंगे तो जहाँ पर जुड़ते हैं उसी भाग को हम लोग बोलते हैं राइजर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजर कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर के उठे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर। जहाँ पर क्या होता है, आर्मेचर के टर्मिनल को जोड़ा जाता है। अब ये क्या होता है, कम्यूटेटर जो होता है बिल्कुल इस पर का कटा हुआ होता है। इसका काम होता है इसका एसी धारा को डीसी में बदलना, क्योंकि अभी हम लोग जो पार्ट्स पर जो जनरेटर पढ़ रहे हैं वो डीसी जनरेटर। तो ये कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी धारा को किस में बदल देना, डीसी में। क्या काम होता है इसका, एसी धारा को डीसी में। और आर्मेचर से जो वोल्टेज आता है वो क्या करता है, इसी कम्यूटेटर में क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, कलेक्ट करके फिर यहाँ से कार्बन ब्रश के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये है मेरा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का ये काम हो गया। अब आगे जो होता है, हम लोग पार्ट्स देखें हम लोग किसके, डीसी जनरेटर के। अगले पार्ट्स जो होता है, अगले पार्ट्स जो होते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।